हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में बात कर रहे हैं अक्षदा माइमी सानंद जिनवानी और समरीन के बारे में। फुल नेम, एज, बर्थ प्लेस और भी बहुत कुछ बताएंगे आप सभी को। अक्षदा का पूरा नाम क्या है? अक्षदा का पूरा नाम है अक्षदा तेली। बात करेंगे माइमी सानंद के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा माइमी सानंद का पूरा नाम क्या है। माइमी सानंद का पूरा नाम है अनंत्या आनंद। बात करेंगे अब हम जिनवानी के बारे में, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जिनवानी का पूरा नाम क्या है। जिनवानी का पूरा नाम है जिनवानी जैन। अब हम बात करेंगे समरीन के बारे में, आप सभी को बताएंगे समरीन का पूरा नाम क्या है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा गाइस, समरीन का पूरा नाम है समरीन अली। अब हम बात करेंगे इन सभी की एज के बारे में, कितने साल की हो चुकी हैं ये मैं आप सभी को बताऊँगा। पहले बात करेंगे अक्षदा के बारे में, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अक्षदा की एज है अभी 28 साल। बात करेंगे माइमी सानंद के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा माइमी सानंद की एज है अभी 12 साल। बात करेंगे अब हम जिनवानी के बारे में, आप सभी को बताएंगे जिनवानी की एज कितनी है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा गाइस जिनवानी की एज है अभी 12 साल। अब हम बात करेंगे समरीन के बारे में, आप सभी को बताएंगे समरीन की एज कितनी हो चुकी है, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा समरीन की एज है अभी 18 साल। अब हम बात करेंगे बर्थ प्लेस के बारे में, कहाँ पर इनके जन्म हुए थे वो मैं आप सभी को बताऊँगा। बात करेंगे अक्षदा के बारे में, अक्षदा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अक्षदा का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। बात करेंगे माइमी सानंद के बारे में, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा माइमी सानंद का जन्म हुआ था झांसी में। अब हम बात करेंगे जिनवानी के बारे में, आप सभी को बताएंगे जिनवानी का जन्म कहां पर हुआ था, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जिनवानी का जन्म हुआ था दिल्ली में। अब हम बात करेंगे समरीन के बारे में, आप सभी को बताएंगे समरीन का जन्म कहां पर हुआ था, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा समरीन का जन्म हुआ था दिल्ली में। तो गाइस अब तक का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 2022 में कितने वीडियोस अपलोड किए हैं इन्होंने और इनकम भी। पहले बात करते हैं अक्षदा के बारे में, अक्षदा ने कितने वीडियोस अपलोड कर दिए होंगे 2022 में, तो मैं आप सभी को बताऊँगा अक्षदा ने 30 से भी अधिक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अपने YouTube चैनल पर 2022 में, और सारे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे वीडियोस हैं इनके। बात करेंगे माइमी सानंद के बारे में, तो गाइस मैं आप सभी को बताऊंगा माइमी सानंद ने भी 30 से भी अधिक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अपने YouTube चैनल पर, और सारे ही काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं इनके। बात करेंगे जिनवानी के बारे में, जिनवानी ने कितने वीडियोस अपलोड कर दिए होंगे, इन्होंने 33 से भी अधिक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं 2022 में। बात करेंगे समरीन के बारे में, आप सभी को बताना चाहूँगा समरीन ने 2022 में 35 से भी अधिक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब बात करेंगे इनकी इनकम के बारे में, जो अप्रोक्स बता सकता हूँ मैं आप सभी को। बात करते हैं सबसे पहले अक्षदा के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अक्षदा की इनकम 1 से 2 लाख रुपए हो सकती है, अप्रोक्स इनकम बता रहा हूँ मैं ये इनकी, ना कि इनके यूट्यूब चैनल की। बात करेंगे माइमी सानंद के बारे में, माइमी सानंद की इनकम कितनी हो सकती है, 3 से 5 लाख रुपए अप्रोक्स इनकी इनकम हो सकती है। बात करें जिनवानी के बारे में, तो इनकी इनकम कितनी हो सकती है, अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप सभी को बता रहा हूँ मैं, इनकी मंथली इनकम हो सकती है 1 से 2 लाख रुपए अप्रोक्स मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक। बात करें समरीन के बारे में, तो गाइस मैं आप सभी को अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बता सकता हूँ समरीन की इनकम, तो समरीन की इनकम हो सकती है 2 से 3 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यह इनकम मैंने अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप सभी को बताई है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए हमेशा लाता रहूँगा, आप मुझे ऐसे सपोर्ट करना। जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।